हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हुए तो होमवर्क क्वेश्चन, और एक बार होमवर्क क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाए फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रखा था इसमें कि इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं पी एंड क्यू, देन वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। तो एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, तो देखो कैसे करेंगे। पहले हमने लिखा सम ऑफ रूट पी प्लस क्यू इज नथिंग बट माइनस बी बाय, तो ये हो जाएगा मेरा अल्फा माइनस टू। ठीक है, उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट दैट इज पी इंटू क्यू, ये क्या हो जाएगा मेरा सी बाय ए, तो माइनस टाइम्स अल्फा प्लस वन, माइनस अल्फा माइनस वन है सी बाय ए। ठीक है, चलो अब मुझे क्या निकालना है, पी और पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू। तो पहले मेरा टारगेट क्या होगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को आई विल राइट इन टर्म्स ऑफ, या फिर आई विल एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ पी प्लस क्यू एंड पी इंटू क्यू, मतलब सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के टर्म्स में मैं इसको निकालूंगा और फिर ये रख दूंगा। तो मेरा जो एक्सप्रेशन आएगा दैट विल बी फंक्शन ऑफ अल्फा, अल्फा का एक एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो निकालते हैं, तो मैंने लिखा पी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, कैसे लिख सकता हूं मैं इन टर्म्स ऑफ सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट। देखो पी प्लस क्यू का होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ पी इंटू क्यू। ठीक है, फिर मैंने बोला अब हमने इधर वैल्यू रख दी ये वाली p प्लस क्यू के, मेरा अल्फा माइनस टू, तो अल्फा माइनस टू का स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ p माइनस क्यू, तो p माइनस क्यू क्या हो जाएगा मेरा माइनस टाइम्स, तो ये प्लस हो जाएगा इंटू अल्फा प्लस वन। क्लियर है, चलो तो ओवरऑल मेरा क्या हुआ, ये एक मेरा अल्फा का एक्सप्रेशन आ गया। ठीक है, तो चलो इसको पहले पूरा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा प्लस फोर प्लस टू अल्फा प्लस टू, तो फाइनली दिस इज अल्फा स्क्वायर माइनस फोर अल्फा प्लस टू अल्फा इज माइनस टू अल्फा प्लस सिक्स। देख लेते हैं एक बार करेक्ट है क्या, प्लस टू प्लस फोर करेक्ट है। तो अब अल्टीमेटली मुझे क्या चाहिए, इसकी मिनिमम वैल्यू, और लकीली ये हमारा क्या आ गया, दिस इज नथिंग बट क्वाड्रेटिक इन अल्फा, और मुझे पता है क्वाड्रेटिक अगर हमारे पास है कोई एक्सप्रेशन उसकी मिनिमम वैल्यू कहां आती है, अगर अपवर्ड है तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, वर्टेक्स पे होती है। मैंने बोला तो फाइनली हमें क्या निकालना है, बेसिकली इसका वर्टेक्स का वाई कोऑर्डिनेट। तो देखो इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, माइनस बी बाय ए से, इसका वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस टू माइनस बी बाय टू ए, टू इंटू वन, सो दिस विल बी वन। तो अल्फा की वैल्यू तो वन आई, बट उसने अल्फा नहीं पूछा है, उसने ये नहीं बोला कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ अल्फा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर इज मिनिमम, उसने बोला उसकी वैल्यू क्या है। तो क्या करें हम, अल्फा इसमें रख देते हैं, अल्फा इसमें रख देते हैं, तो इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू आ जाएगी। बेसिकली ये पैराबोला है हमारा, और ये x इज इक्वल टू वन पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, वन माइनस टू माइनस वन प्लस सिक्स फाइव, तो इट इज समथिंग, पैराबोला इज समथिंग लाइक दिस, ये मेरा x इज इक्वल टू वन है और ये मेरा y इज इक्वल टू फाइव है, अल्फा मैंने वन इसमें रखा, तो वन माइनस टू इज माइनस वन प्लस सिक्स इज फाइव, सो पैराबोला इज समथिंग लाइक दिस। तो ये नथिंग बट, ये इसका y कोऑर्डिनेट इज नथिंग बट वैल्यू, तो फाइव क्या हो जाएगा मेरा, इसका मिनिमम वैल्यू इज फाइव। ठीक है ना, एग्जाम में भी इस टाइप का क्वेश्चन आया था तुम्हारा, बट उसमें क्या था, उसमें हमें पी मतलब उसमें ऐसे नहीं पूछा था कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, उसने बोला था किस वैल्यू ऑफ अल्फा के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू होगी, तो उधर हमारा एक्स कोऑर्डिनेट इज द आंसर, इन दिस क्वेश्चन हमारा आंसर वाई कोऑर्डिनेट होगा वर्टेक्स का। आई होप क्लियर हुआ है। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा होमवर्क क्वेश्चन में, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 34x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, देन वी हैव टू फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ अल्फा रेज टू 1 बाय 4 माइनस बीटा रेज टू 1 बाय 4, इसका मैग्नीट्यूड मुझे निकालना है। ठीक है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो कैसे स्टार्ट करें, तो हमारा आएगा क्या कि हमने, हम इसके स्क्वायर की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं। मैंने क्या बोला, हम ऐसे लिख रहे हैं, देखो अल्फा की पावर 1 बाय 4 माइनस बीटा की पावर 1 बाय 4, इसका स्क्वायर क्या होगा हमारा, ए माइनस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर हाफ, तो 1 बाय 4 का पावर 2 लिखूंगा तो 1 बाय 2 आएगा, प्लस बी स्क्वायर क्या आ जाएगा, बीटा की पावर 1 बाय 2 माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी, तो अल्फा की पावर 1 बाय 4 इंटू बीटा की पावर 1 बाय 4। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा, तो मेरे को ये मिला, ये दिस इज नथिंग बट रूट अल्फा, दिस इज रूट बीटा, और अब देखो ये क्या लिखा है, माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा इंटू बीटा की पावर 1 बाय 4, तो ये तो मैंने ऐसे लिख दिया, रूट अल्फा
प्लस रूट बीटा, ठीक है, माइनस ट्वाइस ऑफ, अब हम देख सकते हैं इस इक्वेशन से हमारा प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या है, अल्फा इंटू बीटा इज वॉट सी बाय ए विच इज वन, तो मैंने इधर रख दिया वन, वन की पावर वन बाय फोर, तो हमारा फाइनली ये आया रूट अल्फा प्लस रूट बीटा माइनस टू इंटू वन विच इज टू। तो हमें ये किसकी वैल्यू मिली अभी, अल्फा की पावर 1 बाय 4 माइनस बीटा की पावर 1 बाय 4 इसका स्क्वायर की। तो लेट्स से मैंने इसको इक्वेशन 1 बोल दिया, दिस इज माय इक्वेशन 1, ठीक है, क्लियर है यहां तक। अब मैं क्या कर रहा हूं, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा अलग से निकाल लेता हूं, उसको निकालने के लिए अगेन मैं यही वाला फंडा यूज करूंगा, क्या करूंगा मैं देखो इधर एक काम करता हूं, मैं इसको रब कर देता हूं थोड़ा सा, ठीक है, यू जस्ट कॉपी दिस पार्ट, मैं इतना पार्ट रब कर रहा हूं। अब देखना, मैंने बोला रूट अल्फा प्लस रूट बीटा, अगेन हम वही वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर, क्या लिखूंगा मैं, रूट अल्फा का स्क्वायर विच इज अल्फा प्लस रूट बीटा का स्क्वायर विच इज बीटा प्लस ट्वाइस ऑफ रूट अल्फा इंटू रूट बीटा, क्लियर है। अगेन देखो अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, फ्रॉम दिस इक्वेशन सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाय ए विच इज 34, क्या हो गया हमारा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 34, वो मैंने इधर रख दिया, तो ये हो गया 34 प्लस ट्वाइस ऑफ, ये हो गया अल्फा इंटू बीटा की पावर हाफ, एंड अल्फा इंटू बीटा इधर से क्या है प्रोडक्ट ऑफ रूट इज 1, तो फाइनली यू आर गेटिंग दिस इज इक्वल टू 34 प्लस 2 विच इज इक्वल टू 36। तो इससे मेरी वैल्यू क्या आई, रूट अल्फा प्लस रूट बीटा इज नथिंग बट प्लस अंडर रूट ऑफ, मतलब अगर मैंने बोला रूट अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर 36 के बराबर है, तो रूट अल्फा प्लस रूट बीटा क्या आएगा, प्लस 6 कॉमा माइनस 6। बट अब हमें पता है कि रूट ऑफ एनी एक्सप्रेशन, रूट ऑफ रूट किसी का भी रूट लूंगा अगर वो एग्जिस्ट करता है तो पक्का पॉजिटिव होता है, सॉरी नॉन नेगेटिव होता है, मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो इन दोनों का सम माइनस 6 हो सकता है क्या, बिल्कुल नहीं हो सकता, माइनस 6 नहीं हो सकता, दिस इज रिजेक्टेड, सो दिस प्लस 6। अब हम इधर रख देते हैं रूट अल्फा प्लस रूट बीटा की वैल्यू, तो फाइनली इधर से क्या मिला, ये वाली रूट अल्फा प्लस रूट बीटा की वैल्यू इधर रख रहा हूं, तो 6 माइनस 2 विच इज नथिंग बट 4। अब उसने क्या बोला है, ये तो अभी हमारी 4 इज नॉट द आंसर, क्योंकि हमने स्क्वायर ऑफ दैट निकाला है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर 1 बाय 4 माइनस बीटा की पावर 1 बाय 4, दिस विल बी इक्वल टू प्लस माइनस 2, बट एक्चुअली उसने मॉड लगा रखा है, तो अगर मैंने मॉड लिखा तो क्या आ जाएगा, मॉड ऑफ प्लस माइनस 2 इज नथिंग बट 2 ओनली, सो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 2। क्लियर है बच्चों, तो हमने बहुत बेसिक यूज किया, मतलब इसमें ऐसा नहीं कोई एडवांस कंसेप्ट यूज है, जो हम स्टार्टिंग में पढ़ते हैं क्वाड्रेटिक में, दैट इज सम ऑफ रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट, उसी का एप्लीकेशन है और कोई ज्यादा नहीं है, ठीक है ना, बट एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, मेंस के लिए तो काफी अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ, एंड डोंट वरी, हम लोग अभी जैसे अभी ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा तो अभी भी हम लोग क्वाड्रेटिक का थोड़ा टच में रहेंगे, एक दो दो क्वेश्चन मैं डेली होमवर्क देते रहूंगा, ठीक है, और जो हमारे प्रीमेनिंग शीट्स बाकी है पहले की, आरडी शर्मा की भी अभी कुछ क्वेश्चंस बाकी हैं, ठीक है ना, मैंने सारे सेंड नहीं किए थे, और हमारे अरियंत के भी कुछ डीपीपीज बाकी हैं, ठीक है, वो भी मैं सेंड कर दूंगा, तो स्टे इन टच विद द क्वाड्रेटिक, ऐसा नहीं कि हमने एक बार क्वाड्रेटिक कंप्लीट हो गया तो हम उसको पूरा छोड़ दें, नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं करना है, कोई भी चैप्टर के लिए नहीं करना है, ठीक है ना, हमें उसको कंटिन्यूटी में रखना है, एटलीस्ट वी शुड प्रैक्टिस 5 to 10 क्वेश्चंस डेली, और जब तक हमारा ट्रिग्नोमेट्री एक लेवल पे नहीं आता, क्योंकि अभी शुरू में ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे तो होमवर्क देना पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि जब एक लेवल आ जाएगा तब आई विल यूज टू गिव द शीट, तो जब तक के लिए तो हम फुल फोकस प्रैक्टिस के लिए क्वाड्रेटिक करेंगे और क्लास नोट्स बस ट्रिग्नोमेट्री के लिए, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, देखो हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन था, बहुत से बच्चों ने इसका सॉल्यूशन भेजा था बट शायद कम ही लोगों का आंसर करेक्ट था, तो क्या लिखा है, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ रियल रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2 की पावर 2010 इनटू एक्स प्लस मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 की पावर 2009 ये मैग्नीट्यूड प्लस ट्वाइस ऑफ 2 की पावर 4017 माइनस 1 इक्वल्स टू 0, ठीक है, क्या बोला इसने, फाइंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, एब्सोल्यूट मतलब मॉड, तो हमें बेसिकली निकालना है, अगर इसके रूट्स मान लो अल्फा और बीटा है तो हमें निकालना है अल्फा माइनस बीटा का मॉड, ये क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोला मैंने, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट, एब्सोल्यूट मतलब मैग्नीट्यूड की बात कर रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ व्हाट, डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो बेसिकली हमें इसको इसका रूट डिफरेंस रूट्स के पहले निकालना, फिर हम डिफरेंस लेंगे, ठीक है, बट द थिंग इज कि ये अभी एट प्रेजेंट ये क्वाड्रेटिक जैसा दिख नहीं रहा, अब इसको हमको थोड़ा रीअरेंज करना पड़ेगा टर्म्स को, ठीक है, तो अब हम करते हैं इसको, कैसे कर रहे हैं देखना, मैंने क्या लिखा, ये तो मेरा एक्स स्क्वायर लिखा ही है, एक्स स्क्वायर ये मेरा एज इट इज लिख लिया मैंने,
2010 x, इस टर्म को मैं इधर लिख रहा हूं, प्लस 2 की पावर 40, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 18, और प्लस मैं अब ये वाला टर्म लिख रहा हूं मॉड ऑफ x माइनस 2 की पावर 2009, ठीक है। और कोई बचा क्या मेरा टर्म, एक मिनट जस्ट अ सेकंड, होल्ड ऑन, एक्स स्क्वायर माइनस दिस प्लस 2 माइनस 2 और बचाइए, ठीक है। सो माइनस 2 इक्वल्स टू 0, अभी मैंने कुछ नहीं किया, सिंपली इस ब्रैकेट को ओपन किया, ठीक है। अब देखना, अब थोड़े मजेदार चीज आएगी, क्या मजेदार चीज, अब हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे इतने पार्ट को, कैसे है? देखो ध्यान से बच्चों, मैंने लिखा एक्स स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ, अब मैं इसको ऐसे ब्रेक कर रहा हूं, 2 into 2 की पावर, ऐसे लिख लो, चलो 2 into x into 2 की पावर 2009 लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर 2010 को आई कैन राइट इट एज 2 into 2 की पावर 2009, फिर ये मेरा 2 की पावर 4018 लिखा है, इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2009 इसका स्क्वायर, और बाकी पार्ट एज इट इज, प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 की पावर 2009 और माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब देखो ध्यान से बच्चों, ये क्या है, अगर मैं इसको बोलू ये ए स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ ए इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, ऐसा लिखा है इस फॉर्म में, लिखा है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का स्क्वायर, वेयर माई ए इज एक्स एंड वेयर माई बी इज 2 की पावर 2009, सो दिस कैन बी रिटन एज ए माइनस बी का स्क्वायर, मतलब एक्स माइनस 2 की पावर 2009 इसका स्क्वायर, क्लियर हुआ। ये इतना पार्ट लिखा है मैंने यहां से यहां तक, यहां से यहां तक, अब आगे का पार्ट लिखते हैं, प्लस ये वाला पार्ट है यहां मॉड ऑफ एक्स माइनस 2 की पावर 2009 और माइनस 2 इक्वल्स टू 0, यहां तक समझ में आया। अब सुनना, अब एक और इंपॉर्टेंट चीज, क्या इंपॉर्टेंट चीज, मैंने बेसिक मैथमेटिक्स में बताया था कि देखो x तो मॉड x के बराबर नहीं होता, बट x स्क्वायर कैन बी रिटन एज मॉड x का स्क्वायर और वाइस वर्सा, मॉड x को स्क्वायर को हम x को लिख सकते हैं, बोथ आर पॉजिटिव, मैंने बोला x स्क्वायर इज सेम एज मॉड x का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो ये लिखा है समथिंग का स्क्वायर, तो मैं ये वाला फैक्ट यूज कर रहा हूं, आई कैन राइट दिस एज मॉड ऑफ दैट थिंग उसका स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा मॉड ऑफ x माइनस 2 की पावर 2009 इसका स्क्वायर, क्लियर है। क्या लिखा मैंने, ये x स्क्वायर है उसको मॉड x का स्क्वायर लिखेंगे, मतलब x जैसे मैंने लिखा ये y स्क्वायर है तो उसको लिख सकता हूं मॉड y का स्क्वायर, क्लियर है बच्चों। फिर ये हुआ प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 की पावर 2009 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यहां तक क्लियर हुआ। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूं, रब कर रहा हूं, तुम लोग वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो, तो देखना इतना पार्ट रब किया। अब देखो, अब मैंने बोला लेट मॉड ऑफ x माइनस 2 की पावर 2009 इक्वल्स टू t, मैंने इसको t मान लिया, तो ये मेरा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक क्वाड्रेटिक बन जाएगा, t स्क्वायर प्लस t माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अच्छा अब इसके ऑब्जर्वेशन से रूट पता चल जाएंगे, क्या देखो सम इज माइनस 1 एंड प्रोडक्ट इज माइनस 2, तो रूट क्या क्या होंगे, देखो मैं माइनस 2 एंड 1, देखो एक बार सम ऑफ रूट इज माइनस 1 प्रोडक्ट इज माइनस 2, तो मेरा ये t की वैल्यू आई, रूट मतलब t की वैल्यू आई, और t मेरा है क्या ये चीज, तो मैंने लिखा मॉड ऑफ x माइनस 2 की पावर 2009 दिस इज इक्वल टू माइनस 2 और मॉड ऑफ x माइनस 2 की पावर 2009 इक्वल्स टू, दिस इज 2009 इक्वल्स टू हमारा 1, यहां तक क्लियर हुआ, ये t की वैल्यू है और t मैंने ये माना था। अब मैं इसको नीचे एक और रख कर देता हूं, देखना अब मॉड ऑफ एनीथिंग नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं हो सकता, तो इससे तो मेरा कोई आंसर नहीं मिलेगा, दिस इज रॉन्ग, रॉन्ग मतलब नो सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। हाँ ये इससे सॉल्यूशन मिलेगा, इससे क्या मिलेगा, देखो अब मैंने बताया था तुमको, अगर मान लो जैसे मॉड ऑफ लिखा है, मॉड ऑफ x इज इक्वल टू 2 लिखा है, जिसका मतलब क्या होता है x इज इक्वल टू प्लस माइनस 2, या फिर लेट्स से मॉड ऑफ x माइनस 3 अगर 4 के बराबर है, तो हम कैसे ओपन करते हैं मॉड को, x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, सिमिलरली आई विल डू हियर आल्सो, मैं क्या लिखूंगा x माइनस 2 की पावर 2009 इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो फाइनली x की दो वैल्यूज आई, क्या क्या आई, x इज इक्वल टू 2 की पावर 2009 प्लस 1 और एक और x की वैल्यू आई कॉमा 2 की पावर 2009 माइनस 1, तो ये दो वैल्यू आई मतलब क्या, ये दो रूट्स आ गए उसके,
दैट मीन्स लेट से अगर मैं इसको अल्फा बोल रहा हूं और इसको बीटा बोल रहा हूं, तो अब मुझे निकालना क्या था क्वेश्चन में, जैसे मैंने बताया था एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डिफरेंस ऑफ रूट्स, तो दीज आर द रूट्स, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा, कर लो अल्फा माइनस बीटा का मैग्नीट्यूड, एब्सोल्यूट मतलब डिफरेंस ऑफ, पॉजिटिव लेना है हमें, तो इसमें से इसको घटाऊंगा तो 2 की पावर 2009 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 माइनस ऑफ माइनस 1 दैट इज 2, सो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, ठीक है ना, ये एक मजेदार क्वेश्चन था, एडवांस के लिए मैं बोलूंगा, रिकमेंड करूंगा, सच क्वेश्चन यू कैन एक्सपेक्ट इन एडवांस, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, अगर कोई भी डाउट आ रहा है किसी भी स्टेप में फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना, व्हाट्सएप करके मुझे पूछो, मैं जैसे जैसे फ्री हूंगा वैसे वैसे तुम लोगों को रिप्लाई दूंगा व्हाट्सएप पे, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, तो देखो दो क्वेश्चन और रह गए, एक पहले जो इजी वाला पार्ट है पहले वो कर लेते हैं, उसके बाद जो थोड़ा मेरे को लग रहा है बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है उसको लास्ट में लेता हूं। तो एक क्वेश्चन था तुम्हारा, मैं पूरा डाटा नहीं लिख रहा हूं, जस्ट आई एम राइटिंग द इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, और एक दे रखा है 5x² प्लस 12x प्लस 13 इक्वल टू जीरो, इसने बोला क्या हैव अ कॉमन रूट, इन दोनों के बीच में कॉमन रूट है, कॉमन रूट है, और वेयर एबीसी आर द साइड्स ऑफ ट्राइंगल एबीसी, स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है, उसने बोल दिया स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी आर साइड्स ऑफ ट्राइंगल, फिर मुझे ट्राइंगल पे कमेंट करना है कि ट्राइंगल किस टाइप का है, मतलब इक्विलेटरल है आइसोसेलस है, इस टाइप की चीज बताना ट्राइंगल में क्या खूबी है, ठीक है ना। अब सुनना, अब ध्यान से देखो, इन्होंने बोला है कि इन दोनों में कॉमन रूट है, इतना बोल रखा है, ठीक है ना, इन दोनों में कॉमन रूट है, उसने ये नहीं बोला एग्जैक्टली वन कॉमन रूट है, तो पहले हम देखेंगे कि क्या दोनों में क्या पॉसिबिलिटी है, मतलब क्या एग्जैक्टली एक कॉमन रूट है या दो कॉमन रूट है। तो देखो अब इस टाइप का क्वेश्चन भी हमने क्लास नोट्स में पहले किया हुआ है, इस क्वाड्रेंटिक को ध्यान से ऑब्जर्व करो, इसका डिस्क्रिमिनेंट देखो, पहले देखो डी क्या आएगा 12 स्क्वायर मतलब 144 माइनस 4ac, तो 4 × 5 × 13, ठीक है, तो क्लियरली दिख रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, बिकॉज ये तो 200 को भी क्रॉस कर गया, ठीक है ना, एग्जैक्ट वैल्यू से मतलब नहीं है मुझे, सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन फाइंडिंग एग्जैक्ट वैल्यू, जस्ट सीधा साइन कि नेगेटिव है या पॉजिटिव है, ये छोटी छोटी चीजें हैं हमारे को टाइम सेव करने के लिए, बिकॉज कॉम्पिटेटिव एग्जाम है ये, ठीक है ना, तो जस्ट आई वॉन्टेड टू सी साइन, ठीक है, ये नेगेटिव आ गया, अब डी नेगेटिव आ गया, इसका मतलब क्या है, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी, तो एक रूट अगर मैंने बोला अल्फा प्लस आई बीटा होगा तो दूसरा क्या होगा, अल्फा माइनस आई बीटा, Why? Because coefficients are real. और हमने पढ़ा है कि अगर conjugate roots आते हैं किसी quadratic के, तो they occur in conjugate pair. तो अगर एक alpha plus i beta है, तो एक alpha minus i beta है, ठीक है? अब इससे क्या conclusion निकलेगा? क्या निकलेगा? चलो पहले बता देता हूं कैसे conclusion क्या निकलेगा कि दोनों roots common है. The reason is, मान लो ये वाला root तुमने बोल दिया alpha minus alpha plus i beta common, alpha plus i beta sorry common root है. अब आते हैं sides of a triangle है, तो ABC तो real numbers होंगे. रियल नंबर्स होंगे, तो अब मैंने बोला कि इस क्वाड्रेटिक के लिए एबीसी रियल नंबर है, एक रूट मेरा अल्फा प्लस आई बीटा आ रहा है, तो दूसरा क्या होगा, ऑफ कोर्स अल्फा माइनस आई बीटा, बिकॉज कॉन्जुगेट पेयर में आते हैं, तो एंसी दोनों ही रूट कॉमन हो गए ना इनडायरेक्टली, सो दोनों रूट कॉमन है, तो बेसिकली क्या लिखा है, और सेम क्वाड्रेटिक लिखा है, सेम क्वाड्रेटिक लिखा है, तो हम क्या बोले डायरेक्टली, या तो चलो अब चलो सेम लिखा है तो हम डायरेक्टली तो नहीं बोल सकते एक ही वैल्यू 5, हाँ रेशियो सेम बोल सकते हैं, मतलब कहने का मतलब वी हमने अभी प्रूव कर दिया कि दोनों साइड्स सॉरी दोनों रूट्स कॉमन है इन दोनों क्वाड्रेटिक में, तो डायरेक्टली आई कैन नॉट सी ए 5 होगा, ए 10 भी हो सकता है, बट उसके लिए बी को 24 और सी को 26 होना पड़ेगा, तो हमने क्या बोला जब दोनों रूट्स कॉमन होते तो हम क्या बोलते हैं रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट्स आर इक्वल, तो क्या लिखूं मैं ए बाय 5 इज इक्वल टू बी बाय 12 इक्वल्स टू सी बाय 13, लेट से मैंने इसको k मान लिया या लैम्डा मान लिया जो मानना है, तो इधर से मेरा क्या a कितना आया 5k, b कितना आया 12k और c कितना आया 13k, क्लियर है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स है हमारे पास, ध्यान से देखो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, देखो ये वेरीफाइड ये c स्क्वायर के बराबर आ रहा है, क्योंकि 5 स्क्वायर a स्क्वायर कितना है 25k स्क्वायर और बी स्क्वायर कितना है 144k², और इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, इन दोनों का एडिशन इज 169k² विच इज नथिंग बट 13k² तो ये तो पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आ गए, लिख लो इधर दीज आर पाइथागोरस ट्रिपलेट्स, दीज
आर पाइथा गोरस ट्रिपलेट्स, पाइथागोरस ट्रिपलेट्स आ गया, इसका मतलब क्या है? ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है बच्चों? तो हमारा आंसर निकलेगा द ट्राइंगल इज राइट एंगल ट्राइंगल। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम मेन क्वेश्चन पे आते हैं। इस जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे दैट इज द बेस्ट क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू मी, मेरे को सबसे अच्छा क्वेश्चन लगा था वो, ठीक है। और अभी तक किसी ने उसका करेक्ट आंसर नहीं दिया है, ठीक है। अभी तक किसी बच्चे ने नॉट अ सिंगल स्टूडेंट गेव मी द राइट आंसर। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूं कि बहुत बुरी बात है, बिकॉज द रीजन इज क्वेश्चन ही अच्छा क्वेश्चन है, टफ है थोड़ा। तो देख लेते हैं हम क्या है क्वेश्चन। तो देखो उसने दिया है फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू इज नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। क्या बोला है उसने कि दिस इज नेगेटिव मतलब लेस देन जीरो फॉर एग्जैक्टली टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, ठीक है। और ये क्या मेरा एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन नेगेटिव होना चाहिए। अच्छा अब देखो ध्यान से, अब देखना इसमें स्टार्ट कैसे करें। तो थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन लगेगा पहले, तो कैसा ऑब्जर्वेशन? पहले मैंने देखा, देखो अगर मैंने x की लिखो ऐसे लिखो, लेट से मैं इसको f of x बोल रहा हूं, दिस इज माय एक्सप्रेशन f of x। तो मैंने निकाला f of माइनस वन। अब माइनस वन ही क्यों रखा? द रीजन इज अगर x के माइनस वन रखूंगा तो जो a है ना दैट इज पैरामीटर a, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। द रीजन इज इधर से a आएगा और अगर x माइनस वन डाला तो ये वाला माइनस a आ जाएगा, तो इसलिए दिस सजेस्ट मी टू पुट x इज इक्वल टू माइनस वन। तो मैंने f ऑफ माइनस वन रखूंगा तो क्या आएगा फाइनली, दिस इज a, इधर से आ जाएगा माइनस a प्लस टू माइनस टू। अब लकीली क्या हो रहा है, ये हमारा जीरो आ रहा है, देखो दिस इज जीरो, मतलब माइनस वन पे x इज इक्वल टू माइनस वन पे y की वैल्यू जीरो है, एक तो ये चीज। और फिर मैंने निकाला f ऑफ जीरो निकाल के देख लिया, f ऑफ जीरो क्या आएगा, x के जीरो रखो इसमें तो क्या आएगा मेरा माइनस टू, देखो जीरो जीरो इधर माइनस टू। अब हम इसकी इंफॉर्मेशन से इसको पैराबोला ड्रॉ करके देखते हैं। तो देखो ये मेरा एक्स वाई प्लेन हो गया, एफ ऑफ माइनस वन इज जीरो, अगर एक्सप्रेशन जीरो हो रहा है माइनस वन पे, इसका मतलब क्या है, माइनस वन उस क्वाड्रेटिक का एक रूट है, तो माइनस वन एक रूट है। फिर देखा एफ ऑफ जीरो इज माइनस टू, मतलब एक्स इज इक्वल टू जीरो पे वाई की वैल्यू कितनी है माइनस टू, दिस इज माइनस टू। तो पैराबोला इज समथिंग लाइक दिस, दिस इज द ओनली पॉसिबल पैराबोला विद दिस इंफॉर्मेशन आई कैन ड्रॉ, दिस इज द पैराबोला, ठीक है ना। मतलब ए चेंज होगा तो क्वाड्रेटिक चेंज होगी तो ये वाली ब्रांच शिफ्ट होगी, मतलब दिस विल रिमेन द सेम एंड दीज टू पॉइंट्स विल रिमेन द सेम, ये और ये सेम रहेगा। अगर ए की वैल्यू चेंज करूंगा तो ऑफ कोर्स ये क्वाड्रेटिक चेंज होगी, उसके रूट्स चेंज होंगे, एक रूट जरूर माइनस वन रहेगा, दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ ए। एक्चुअली हमने देखा एफ ऑफ माइनस वन में क्या हो रहा है, ए तो कैंसिल आउट हो रहा है ना, तो एक रूट तो माइनस वन होगा। ये वाला जो ब्रांच है ये वेरी करेगा डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ ए, हमारा क्वेश्चन क्या हो रहा है, डिपेंडिंग अपॉन वैल्यू ऑफ ए दिस ब्रांच विल मूव, तो हमारा दूसरा रूट चेंज होगा ए के चेंज करने से, ठीक है ना। अब देखो अब दिख रहा है कि ये तो जीरो है ही मेरा, एक रूट तो हो गया जीरो कंफर्म है। अब एक चीज, ये पैराबोला अपवर्ड है, अब नेगेटिव कब होता है, नेगेटिव हमें पता है पैराबोला इज नेगेटिव ओनली बिटवीन द रूट्स। पैराबोला जो होता है दैट, अगर पैराबोला अपवर्ड है तो दैट इज नेगेटिव ओनली बिटवीन द रूट्स, तो मतलब इसी रीजन के अंदर। इसका मतलब क्या है, उसने बोला दिस इज नेगेटिव, मतलब ऐसी ए की वैल्यू निकालनी है कि सच दैट दिस इज नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए एक्स, सॉरी। तो मतलब इस रीजन के अंदर यहां से यहां तक मेरे दो इंटीजर्स आना चाहिए, टू इंटीजर्स शुड कम, शुड कम इन दिस रीजन। व्हाई? बिकॉज इन दिस रीजन ओनली पैराबोला इज बिलो द एक्स एक्सिस, मतलब ये बिटवीन द रूट्स की बात हो रही है, बिटवीन द रूट्स पैराबोला नेगेटिव होता है, अपवर्ड है। तो इस रीजन के अंदर मुझे दो इंटीजर्स चाहिए, वो किस ए के लिए होगा, वो ए निकालना है। तो देखो एक इंटीजर तो दिख रहा है जीरो हो गया, इसका मतलब इधर मेरा वन आना चाहिए, एक तो वन आना चाहिए। अब मैंने बोला क्या टू आना चाहिए इसमें, तो आंसर मिलेगा टू नहीं आना चाहिए। क्यों? अगर टू भी आ गया इस रीजन में, टू भी आ गया तो क्या होगा, मेरा तीन इंटीजर्स पे नेगेटिव हो जाएगा ना, जीरो वन टू, इसका मतलब टू इसके बाद आना चाहिए। अभी देखना इसमें थोड़ा सा कैच है, अभी बताऊंगा, एक यहां तक क्लियर हुआ, एक बार और बताता हूं। देखो
मैंने बोला कि दिस क्वाड्रेटिक इज नेगेटिव फॉर एग्जैक्टली टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, सॉरी फॉर एग्जैक्टली टू वैल्यूज ऑफ एक्स दिस इज नेगेटिव। तो मैंने पहले पॉसिबल पैराबोला बनाया, ये हमारा आया। तो दिख रहा है एक तो, और हमने देखा कि पैराबोला अपवर्ड है तो नेगेटिव होता है ओनली बिटवीन द रूट्स, पहली बात। तो अब बिटवीन द रूट्स पैराबोला नेगेटिव है तो ये जो रीजन है एक्स का, इसी रीजन में मेरे को दो इंटीजर्स लाई करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो एक इंटीजर तो जीरो है, तो ऑफकोर्स इसका नेक्स्ट इंटीजर इस रीजन में क्या होगा, वन। फिर मैंने क्या बोला, टू नहीं होना चाहिए इस रीजन में। अगर टू हो गया तो क्या होगा, मेरा तीन इंटीग्रल वैल्यूज आ जाएंगी ना। जब टू नहीं हो सकता तो थ्री भी नहीं हो सकता, वाय बिकॉज अगर थ्री भी इस रीजन में ले लिया तो पक्का वन और थ्री के बीच में टू भी आ जाएगा। तो चार वैल्यूज आ गई है, चार इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स पे मुझे ये नेगेटिव मिल रहा है। दैट मीन्स वन तो इधर आना चाहिए, टू इधर आना चाहिए, ठीक है। अच्छा अब मैंने एक थोड़ा सा कैच है, क्या है मैं तुमसे बोल रहा हूं, एक तो मैंने ये सिनेरियो बनाया और एक और सिनेरियो बना रहा हूं, देखना इसी के विज़ाविज़ ध्यान से देखना, बहुत मजेदार क्वेश्चन लगा मुझे ये। ये देखो ये जीरो है, ये वन है। मैंने बोला ये जो एग्जैक्टली अगर टू इसको ले लेता हूं मैं, तो मैंने बोला ये जो पैराबोला है ये तो पक्का करेक्ट है, मतलब करेक्ट है इन द सेंस दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला, दिस इज द रिक्वायर्ड पैराबोला। मैंने बोला क्या ये करेक्ट है, मतलब क्या ये हमारी गिवन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है ये पैराबोला, तो आंसर मिलेगा। तुम सोचो, चलो पहले एक मिनट वीडियो पॉज करो, सोचो और मैं अब बताने जा रहा हूं। द आंसर इज यस, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड। बच्चों की गलती इसी में होती है, बहुत से बच्चों की। रीजन इज कि सर अभी तो आपने बोला टू साइड आना चाहिए, करेक्ट, उस साइड भी चलेगा और एग्जैक्टली टू रूट हो जाए तो भी चलेगा। द रीजन इज हमारी जो कंडीशन है वो ये भी तो फुलफिल कर रहा है, केवल दो इंटीजर्स पे जीरो और वन पे नेगेटिव आ रहा है, पैराबोला नीचे आ रहा है। टू से हमें क्या मतलब है, टू पे तो जीरो आ रहा है ना, नेगेटिव तो नहीं आ रहा ना, टू पे जीरो आ रहा है, चलेगा वो तो। उसने ऐसा तो नहीं बोला कि जीरो कितने इंटीजर्स पे आना चाहिए, उसने बोला है कि ये जो क्वाड्रेटिक है वो नेगेटिव होना चाहिए फॉर एग्जैक्टली टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स, क्लियर है। तो दिस इज ऑल्सो फेवरेबल, टू पे ऑल्सो जीरो आना चलेगा बट टू पे नेगेटिव नहीं आना चाहिए था। तो मतलब क्या होना चाहिए बेसिकली, टू पे हमारा क्या होना चाहिए, या तो वो रूट हो जाए या उसके राइट में चला जाए टू। तो दिस एंड दीज आर द टू फेवरेबल कंडीशन केसेस। तो इसके आधार पे मैं क्या बोल सकता हूं, इन दोनों ही पैराबोला में क्या हो रहा है, चलो दोनों पैराबोला को मैं कंडीशन लिख रहा हूं, मुझे ये पैराबोला सिलेक्ट करना है, तो इसको कैसे करूंगा मैं, वन एक साइड है टू एक साइड है, तो एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन वन एंड टू। ये किस में कन्वर्ट हो गया हमारा, केस टू ऑफ रूट्स ऑफ लोकेशन, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन वन एंड टू। तो हमारा क्या होता है, एफ के वन इंटू एफ के टू नेगेटिव, तो इससे मेरा क्या आएगा, चलो ऐसे लिख लो, नहीं तो एफ ऑफ इस, क्योंकि उधर तो हमारा क्या दोनों केसेस होते हैं पैराबोला अपवर्ड डाउनवर्ड, बट इधर तो हमारा केवल अपवर्ड पैराबोला है, हमने ऑलरेडी वो प्रूव कर लिया है। तो डायरेक्टली मैं इधर से बोल सकता हूं एफ ऑफ वन क्या होना चाहिए, नेगेटिव, एंड फॉर दिस एफ ऑफ टू शुड बी ग्रेटर देन जीरो। और इधर क्या होगा, एफ ऑफ वन लेस देन जीरो एंड एफ ऑफ टू क्या होगा, इक्वल्स टू जीरो। यहां तक क्लियर है। अब इन दोनों को कंबाइनली मैं क्या लिख सकता हूं, देखो दोनों में एफ ऑफ वन लेस देन जीरो तो इधर भी है इधर भी है, तो एक तो मेरी पक्की बात हो गई कि एफ ऑफ वन क्या होगा, लेस देन जीरो। वॉट अबाउट एफ ऑफ टू, इधर ग्रेटर बोल रहा है इधर इक्वल टू बोल रहा है, तो हम दोनों को कंबाइन करके कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज ये भी मेरा फेवरेबल है और वो भी फेवरेबल है, मतलब बेसिकली यूनियन है इन दोनों का, तो मैं एक साथ कैसे करके लिख सकता हूं, एफ ऑफ टू ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट थिंग। यहां हमारा फिनिश हो गया ये क्वेश्चन, मतलब फिनिश मतलब अब मैथमेटिकल पार्ट है, सोचने वाला काम खत्म, यहीं तक था सोचने वाला, क्लियर है बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो तुम वीडियो पॉज करके कॉपी करो इतना, अब मैं इसको रब कर रहा हूं, फिर मैं इन दोनों इनइक्वालिटी को सॉल्व करके आई विल टेल द फाइनल आंसर, ठीक है। चलो अब मैंने बोला ये दो ये हमारा कंडीशन आ गई। अब देखो अब एफ ऑफ वन इज नेगेटिव, तो एफ ऑफ वन निकालते हैं, तो इसमें वन रखा है, तो एफ ऑफ वन क्या होगा, पहले तो एफ ऑफ वन इज ए प्लस ए माइनस टू, और ये क्या बोल रहा है, लेस देन जीरो, लेस देन जीरो। तो कह रहा है टू ए माइनस फोर इज लेस देन जीरो, ए इज लेस देन टू, एक तो ये कंडीशन आई, बट दिस नॉट द फाइनल आंसर, अभी ये कंडीशन और सॉल्व करनी है ना हमें। और ये क्या लिखा है, एफ ऑफ टू ग्रेटर देन इक्वल टू, इधर इक्वालिटी लगाना नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा, आएगा ही नहीं तुम्हारा आंसर, बताऊंगा अभी रीजन। अब ग्रेटर देन पहले एफ ऑफ टू निकाल लिया, एफ ऑफ टू कितना होगा, जब टू रखेंगे इसमें तो टू टू द फोर, तो फोर ए प्लस टू ए माइनस फोर माइनस टू, और ये क्या चाहिए मुझे, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, आई वॉन्ट दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो इधर से मेरा क्या आया, सिक्स टाइम्स ए माइनस वन, देखो एक बार सिक्स ए माइनस सिक्स करेक्ट है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन,
इंटरसेक्शन इज माय आंसर। क्लियर है? तो हम निकाल लेते हैं, ए लेस देन टू मतलब हमारा हो गया, ए लेस देन टू मतलब ये वाला रीजन, और ये बोल रहा है ए ग्रेटर देन इक्वल टू वन, तो ये वन इधर होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब फील्ड आएगा ये इधर आया, तो फाइनली ए की अलाउड वैल्यूज क्या हुई, वन क्लोज से टू ओपन, बिकॉज दिस इज द इंटरसेक्शन पार्ट। अब हम आते हैं क्वेश्चन पे, उसने क्या बोला है, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, ऐसे ही बोला है क्वेश्चन, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन में ये था क्या था, हाँ, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए फॉर विच दिस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन इज नेगेटिव फॉर एक्जेक्टली टू इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इस सेट के अंदर केवल एक ही इंटीजर है, दैट इज वन, हेंस द वैल्यू ऑफ, फाइनली हमारा आंसर क्या होगा, ए इक्वल्स टू वन इज द आंसर, बिकॉज इस ए की ये सारी वैल्यूज पे हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, बट उसने बोला है कि इसके अंदर इंटीग्रल वैल्यूज कौन सी है, तो फाइनल आंसर इज ए इक्वल्स टू वन। आई होप क्लियर हुआ है, ठीक है बच्चों, समझ में आया ना? तो ये हो गया हमारा, अब हमारा फाइनली एंड अप हो गया क्वाड्रेटिक का, और क्वाड्रेटिक का एंड अप हो गया मतलब फर्दर मैं लेस्टेशन से लूंगा ही, तुम लोगों को प्रैक्टिस में टच में रखूंगा, एक एक दो दो क्वेश्चन डेली लेते रहूंगा जैसे जैसे टाइम मिलेगा, बट ऑफिशियली क्वाड्रेटिक इज ओपन नाउ, अब हम ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, बट आई विल कीप यू इन टच विद क्वाड्रेटिक, ठीक है ना, मैं डेली होमवर्क दूंगा क्वाड्रेटिक का, एक एक दो दो क्वेश्चन, और अभी तो थोड़ा ज्यादा ही दूंगा, द रीजन इज क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में अभी मैं देने नहीं वाला हूं, बिकॉज एक दो लेवल, एक लेवल आ जाए हमारा ट्रिग्नोमेट्री में, उसके बाद वी विल आई विल गिव होमवर्क्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, तब मैं क्वाड्रेटिक कम कर दूंगा, बट अभी तो हम क्वाड्रेटिक का कंटिन्यू रखेंगे एटलीस्ट फॉर वन वीक, ठीक है। चलो तो फाइनली अब डाल लो तुम ट्रिग्नोमेट्री, आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जरा थोड़ा बहुत ही देखते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमने मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें क्वेश्चंस में दे दिया है, तो डाल लो इधर ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री फेज वन, ठीक है, फेज वन लिख लो या पार्ट वन लिख लो, तो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूं ट्रिग्नोमेट्री में हमारा क्या क्या पढ़ना है हम लोग को। देखो ओवरऑल जो ट्रिग्नोमेट्री है दैट इज डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट्स, जिसमें कि तीन पार्ट्स तुम लोगों को 11th में पढ़ना है और एक पार्ट आता है दैट वी हैव टू लर्न इन 12th क्लास, ठीक है, वो तीनों पार्ट क्या है, देखो एक तो ट्रिग्नोमेट्री फेज वन हो गया, दिस इज माय पार्ट वन, ये अभी हम पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, पार्ट वन, और फेज टू आता है, फेज टू जो है उसको हम बोलते हैं सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, एसओटी, अभी मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, डिटेल में जब भी जाएंगे हम, दिस इज सोल्यूशन ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना, इसमें वो ट्राइंगल्स वगैरह इन्वॉल्व होगा, ए बी सी साइड्स वगैरह, ठीक है ना। तीसरा आता है फेज थर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, और जो फोर्थ पार्ट आता है जो हमको 12th में पढ़ना है, ये तो हमें क्या पढ़ना है, ये तीनों पार्ट 11th में पढ़ने हैं, दीज थ्री वी हैव टू लर्न 11th क्लास, और ये वाला जो है दिस इज इन 12th क्लास, और उसका नाम क्या है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। और फेस जो पार्ट वन है, जैसे मैंने देखा विनोद सर ने भी काफी हद तक कवर कर दिया है, बट फिर भी हम दोबारा पढ़ेंगे हर एक चीज, हर एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे, और थोड़ा और ज्यादा डिटेल में ही देखने वाले हैं, बिकॉज एक्चुअली द ट्रिग्नोमेट्री इज पार्ट ऑफ मैथ्स, बट फिजिक्स में इसलिए पढ़ाया जाता है उसका एप्लीकेशन होता है, ठीक है ना, तो वो भी याद रखना है, और मैं पढ़ाऊंगा वो एज, ये समझ लो अगर उधर भी तुम्हारा कुछ मिस हुआ है, जो भी स्टूडेंट्स लेट आए थे, ऐसा कुछ भी रीजन होगा हुआ है, तो इधर कवर अप हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री फेज वन का एक्चुअली नाम क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, लिख लो इधर, ट्रिग्नोमेट्री जो फेज वन है तो इसका जो नाम है दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, या कंपाउंड एंगल्स ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हमारा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन कि हमें ट्रिग्नोमेट्री में कितने पार्ट्स पढ़ने, कब क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब फाइनली हम स्टार्ट करते हैं फेज वन, ठीक है, तो पहले इसको कॉपी कर लो, मैं इसको रब कर देता हूं, ठीक है। सो नाउ वी विल स्टार्ट विद ट्रिग्नोमेट्री। तो सबसे पहला आता है हमारा एंगल मेजरमेंट सिस्टम, तो लिख लो पहले टॉपिक एंगल मेजरमेंट सिस्टम, एंगल मेजरमेंट एंगल मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है, मतलब एंगल हम किस तरीके से मेजर कर सकते हैं। तो वी हैव टू लर्न टू सिस्टम्स, जिसमें पहला है डिग्री, डिग्री ठीक है, और दूसरा हमारा आएगा एक रेडियन,
रेडियन, और इसको एक और नाम बोलते सर्कुलर, सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम या फिर रेडियन मेजरमेंट सिस्टम, इसको डिग्री मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है। तो पहले डिग्री के बारे में लिख लेते हैं, तो इधर लिखो पहला, इसको हम बाद में सेकंड पार्ट लेते हैं, पहले मैं डिग्री के बारे में लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो दो सिस्टम है और बस फिर हम उसका इंटर कन्वर्जन देंगे, हाउ टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन एंड रेडियन इनटू डिग्री। और बस बहुत से बच्चों को ये चीज ऑलरेडी आती होगी, सो ऐसा मत सोचना टाइम वेस्ट होगा, कुछ ना कुछ तो नया सीखने मिलेगा, ठीक है ना। पहले एक दो लेक्चर ऐसा होगा, फिर बाद में हमारा टोटल जो पढ़ाने का वो जो वो हो जाएगा वो क्या होगा, हमारा न्यूमेरिकल पे जाएगा। अभी थोड़ा बहुत थियरी टाइप का समझ सकते हो, बोल सकते हो, बट जैसा जैसा होगा पॉसिबल मैं न्यूमेरिकल ज्यादा लूंगा, ठीक है ना। चलो, अब मैंने बोला डिग्री मेजरमेंट ऑफ सिस्टम, इसमें क्या होता है, हम लिखो पहले वन राइट एंगल is divided into 90 equal parts and each part is called 1 degree। लिखते कैसे हम इसको, वन और इसके ऊपर एक फील्ड ऐसे 1 degree। तो हम क्या बोलेंगे, one right angle is equal to 90 degree, this is our first part। तो इसका मतलब क्या है, जैसे मैंने let's say this is my right angle, तो इसको मैंने क्या किया 90 equal parts में divide किया। So let's say this is first part, this is second part, this is third part and so on, फिर हमारा ये हुआ, तो this corresponds to, एक part corresponds to 1 degree। ऐसे मैंने 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया इस राइट एंगल को, समझ में आया, क्लियर है। अच्छा, अब क्या करते हैं, फर्दर हम डिग्री को डिवाइड करते हैं 60 पार्ट्स में। क्या लिखो, ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स and each part is called, and each part is called minute, ठीक है, each part is called minute, that is 1 degree is equal to 60 minute। और minute को हम सिंबल से कैसे, डिग्री को जैसे हमने इधर एक ऊपर एक जीरो टाइप का सिंबल लगाया, ठीक है ना, इधर क्या करते हैं डैश, दिस इज एक्चुअली वैसे लगाया तो मतलब इसका मतलब 1 minute, दिस मीन्स 1 minute। तो 1 degree इज इक्वल टू 60 minutes, ठीक है। अच्छा, अब फर्दर क्या किया हमने, हर एक जो मिनट है उसको फर्दर 60 पार्ट में डिवाइड किया। तो इधर और लिख लो, मैं इसको रब कर रहा हूं, ठीक है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है, जस्ट एक थियरी हो जाएगा हमारे पास, इसलिए लिखवा रहा हूं। मैंने क्या बोला, फर्दर ईच मिनट इज डिवाइडेड इंटू 60 इक्वल पार्ट्स एंड ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट, ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट, दैट इज 1 minute इज इक्वल टू 60, ईच पार्ट इज कॉल्ड सेकेंड्स, 60 सेकेंड। और सेकेंड्स के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर डबल डैश, ऐसे मैंने लिखा 1 double dash, इसका मतलब क्या है, 1 second, क्लियर है बच्चों, समझ में आया यहां तक। क्या किया, दोबारा एक बार ब्रीफली देख रहे हैं, एक राइट एंगल को हम 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो एक पार्ट को हम बोलेंगे 1 degree, फिर 1 degree को हम फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और उसके एक पार्ट को बोलेंगे 1 minute, और फर्दर 1 minute को वील डिवाइड इन टू 60 पार्ट, तो हम बोलेंगे 1 second, ठीक है। तो मैं कहने का मतलब, एक राइट एंगल में कितने मिनट है वो भी लिख सकता हूं, एक राइट एंगल में कितने सेकंड है वो भी लिख सकता हूं, पहले तुम लोग लिखो वीडियो पॉज करके। मैंने क्या बोला, एक राइट एंगल में 90 degree है, अब तुम लिखो कितने मिनट्स होंगे, तो क्या लिखेंगे हम, चलो मैं इसको रब कर रहा हूं, तुम वीडियो पॉज करके पहले इसको कॉपी करो, ठीक है। मैंने बोला वन राइट एंगल, देखो मैं इधर लिख लूंगा, एक इक्वेशन में लिख लेते हैं, 1 right angle इज इक्वल टू
60 डिग्री इज फर्दर इक्वल्स टू, अब मैं कितने मिनट्स होंगे, हर एक डिग्री 60 मिनट्स के बराबर है, तो 60 डिग्री क्या होगा, 60 into 60 मतलब 3600 मिनट्स। फर्दर मैं इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आ जाएगा मेरा सेकेंड्स, तो मैंने लिखा 3600 into 60 seconds, क्लियर है, यहां तक समझ में आया, या फिर मैं ऐसे लिख लेता हूं, चलो वैसे ये 60 गलत लिखा है, एक मिनट, वन राइट एंगल इज 90 डिग्री, ठीक है वेट अ मिनट दोबारा लिख लेते हैं इसको, वन राइट एंगल इज 90 डिग्री और ये हो जाएगा 90 into 60 मल्टीप्लाई तुम कर लेना, ठीक है ना, ऐसे कितना आएगा 5400 एंड दिस इज फर्दर इक्वल्स टू 90 into 60 into 60 seconds, क्लियर है यहां तक पिक्चर, ठीक है ना, कोई हाई चीज हमने नहीं की, ठीक है ना। चलो अब हम लिखते हैं सेकेंड मेजरमेंट ऑफ सिस्टम, दैट इज रेडियन, रेडियन या फिर उसको बोलते हैं एक और नाम है सर्कुलर, सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम, इंटरेस्टिंग जब आएगा, जब न्यूमेरिकल पार्ट आएंगे देन यू विल फील इंटरेस्टिंग, ठीक है ना, अभी थोड़ा सा मे बी यू विल फील बोर, ठीक है ना, बट डोंट वरी आई विल मेक इट मोर एंड मोर इंटरेस्टिंग, ठीक है, जितना मेरे से हो सकेगा। आप सुनो, मैंने बोला अब रेडियन मेजरमेंट ऑफ सिस्टम, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, क्या होगी डेफिनेशन कि एंगल, देखो पहले लिख लो फिर समझते हैं, एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस, क्या लिखा है, एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू इट्स रेडियस एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड वन रेडियन, और वन रेडियन को हम सिंबोलिटिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे वन मिनट को हमने एक डैश लगाया, वन सेकेंड को डबल डैश लगाया, तो वन रेडियन का एक्चुअली लिखते हैं वन की पावर में छोटा सा सी, इसको कभी कभी इंसान नहीं भी लिखते हैं बट यू हैव टू राइट इट, मतलब स्टैंडर्ड है ये, बट हम जल्दी जल्दी में क्या करते हैं, हम लिखते अवॉइड करते हैं, वी आर जस्ट इग्नोर दिस सी, ठीक है ना, वन रेडियन को हम सिंपली वन लिखते हैं, बट एक्चुअल तरीका इज यू हैव टू पुट द सी पावर में, ठीक है ना, स्मॉल सी, सी स्टैंड्स फॉर सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम, ठीक है, रेडियन की बात हो रही है, क्लियर हुआ। तो हाँ, पहले अब ये समझते हैं डेफिनेशन का मतलब क्या है, तो उसके लिए मैं ऊपर का पार्ट रब कर रहा हूं, तो देखो उसने बोला है कि एंगल मेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ इक्वल्स टू इट रेडियस इज नथिंग बट वन रेडियन। तो देखो एक फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा आर्क लेंथ का, आर्क लेंथ, जैसे अभी हम अभी इसके ऊपर आएंगे, आज मैंने बोला दिस इज आर्क, ये मेरा क्या होता है आर्क लेंथ, अगर ये एंगल थीटा है, ये आर है, तो दिस इज माय व्हाट आर्क लेंथ, ए आर सी आर्क लेंथ, एंड दिस विल बी इक्वल टू आर इनटू थीटा, ये हम 9th में पढ़ के आते हैं, आर्क लेंथ इज आर इनटू थीटा, और वैसे मैंने बोला आज हम इसके बारे में भी थोड़ा देखेंगे, ठीक है, आज नहीं तो कल जैसा भी होगा टाइम के हिसाब से। तो देखो अब मैंने बोला डेफिनेशन क्या बोला, एंगल मेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल्स टू इट रेडियस, वो मतलब जिस रेडियस का सर्कल है उसी लेंथ का आर्क लिया मैंने, इसका मतलब आर्क लेंथ में क्या लूंगा आर, देखो इसके हिसाब से एंगल मेड बाय एन आर्क, कौन सा आर्क ऑफ लेंथ, कितना लेंथ, इक्वल टू इट्स रेडियस, वो आर्क का लेंथ जो उसके रेडियस के बराबर है, तो इसका मतलब दिस इज आर, इधर से क्या आ जाएगा आर इज इक्वल टू आर थीटा, तो थीटा मेरा क्या आ गया वन, तो वही बोल रहा है एट इट्स सेंटर इज कॉल्ड वन रेडियन, क्लियर है, एंगल मेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ इक्वल्स टू इट्स रेडियस इज नथिंग बट वन रेडियन, क्लियर है। और मैंने क्या बोला, जैसे कि रेडियन में हमेशा हम क्या करेंगे पावर में सी लिखेंगे, ठीक है ना, अभी के लिए लिखेंगे, अफकोर्स जब हमारा जो एक्चुअल क्वेश्चन लिखेंगे हम, जैसे मैंने लिखा पाई, तो हम पाई के ऊपर सी नहीं लगाएंगे, जैसे इधर लिख लेते हैं, एक काम करते हैं, पहले तुम इसको कॉपी करो। मैंने बोला कि देखो 180 डिग्री जो होता है, एक और लिख करके लिख लो नोट करके, 180 डिग्री इज इक्वल टू पाई रेडियन, वैसे हम जनरली पाई लिखते हैं, बट एक्चुअली आई शुड पुट पाई की पावर सी, दिस इज द करेक्ट नोटेशन, 180 डिग्री क्या है पाई रेडियन के बराबर, ठीक है। अच्छा अब हम एक फॉर्मूला लिख लेते हैं इंटर कन्वर्शन का, हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री एंड डिग्री इंटू रेडियन, वाइस वर्सा, तो ये भी बहुत से बच्चों को पता होगा, फिजिक्स में ही पढ़ा है, डी
अपॉन 180 इज इक्वल टू सी अपॉन पाई, ठीक है, दैट यू कैन ड्राइव ऑल्सो, बहुत सिंपल सी चीज है, ठीक है, बट मैंने डायरेक्टली लिख दिया, एक ही लाइन का प्रूफ है वैसे तो, ठीक है, मैंने कहा डी अपॉन 180 6c अपॉन पाई, वेयर डी इज व्हाट, डिग्री मेजरमेंट सिस्टम, ऐसे लिख लो, वेयर डी इज एंगल इन डिग्री मेजरमेंट सिस्टम, डिग्री मेजरमेंट सिस्टम, और सी क्या है मेरा, एंगल इन सर्कुलर या फिर रेडियन लिख लो, रेडियन या फिर सर्कुलर मेजरमेंट सिस्टम, समझ में आया, तो इंटर कन्वर्ट कर लोगे, जैसे मान लो तुम्हें फॉर एग्जांपल मैंने बोला कि लेट्स से हमारा 15 डिग्री है, अच्छा मैं इधर एंगल भी वही ले लेता हूं जो तुम लोगों को फ्रीक्वेंटली यूज होगा और जो तुम्हें टिप्स पे होना चाहिए, 15 डिग्री करस्पॉन्ड किसको करता है, कितना पाई रेडियन होता है, ठीक है ना, तो मैं इधर भी एग्जांपल ऐसे ले लेता हूं जो हमारे फ्रीक्वेंटली यूज आएंगे जो, ठीक है ना, जो टिप्स पे होना चाहिए, तो क्या होगा, तुम्हारे ड्राइव भी हो जाएंगे और लगे हाथ हमारा याद भी हो जाएंगे, ठीक है, तो देखो 15 डिग्री मुझे निकालना है कितने रेडियन के बराबर है, डैश रेडियन, तो मैं इस फॉर्मूले पे रख देता हूं डिग्री की जगह, तो मेरा सी आ जाएगा, तो सी कितना आएगा, सी इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री डी, ये फॉर्मूला लगा देते हैं हम, डी को उधर लेके गए तो लगाओ, चलो तो सी हमारा कितना आ जाएगा, पाई अपॉन 180 इंटू डिग्री, 15 डिग्री पे निकालना है तो ये कितना होगा हमारा, देखो 15 डिग्री कितनी बार जाएगा, पहले 5 से निकाल देते हैं तो ये 3 टाइम्स, और ये चला जाएगा हमारा, एक मिनट, हाँ ये हो जाएगा हमारा 3636, फिर ये आ जाएगा हमारा फाइनली 5/12, तो ये जो मैंने बोला अभी कन्वर्ट तो हम कोई भी कर लेगा, ये तो 9/10 का क्वेश्चन हो गया, ठीक है ना, इवन 9/10 में भी इजी हो गया, हमें क्या, मैंने इसलिए बता रहा हूं ये चीज बिकॉज 15 डिग्री को हमें पाई बाय 12 याद रखना है, 15 डिग्री को हमें पाई बाय 12 याद रखना है, टेस्ट पे होना चाहिए, हम उस टाइम ऐसा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली बोलेंगे 15 डिग्री पाई बाय 12 एकदम टेस्ट पे होना चाहिए, जैसे हमें पाई बाय 2 याद होता है ना, 90 डिग्री मतलब क्या होता है, पाई बाय 2, आई होप सभी स्टूडेंट्स को याद होगा, ये एकदम रटा हुआ होता है, कोई नींद में ही पूछ ले तो बता दोगे कि 90 डिग्री मतलब पाई बाय 2, वैसे ही ये याद होना चाहिए, 15 डिग्री पाई बाय 12, अब देखो एक तो ऐसे कन्वर्ट करके निकाला, या फिर हम स्टैंडर्ड एंगल की मदद ले सकते हैं, जैसे कि देखो स्टैंडर्ड एंगल में हमें पाई बाय 6, पाई बाय 3 ये सब पता होता है, आई होप मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा कि जो, जैसे कि मैंने क्या लिखा, इधर देखो मैंने बोला 30 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री ये और ये और लेट्स से 180 डिग्री वो तो अभी हम लिखे थे, ये तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होता है इनका पाई में रेडियन कितना होता है, मतलब 180 डिग्री अभी लिखा था पाई रेडियन पाई की पावर सी, 90 कितना होता है पाई बाय 2, मैं रेडियन सी नहीं लिख रहा हूं, आई एम इज टू अवॉइड सी, ठीक है ना, वो मैंने बता दिया बस, एक्चुअली दैट इज करेक्ट वे बट वी कैन अवॉइड दैट, फिर 60 डिग्री ये भी मोस्ट ऑफ द बच्चों को कैलकुलेट नहीं करना पड़ता, डायरेक्टली हम बोल सकते पाई बाय 3 और ये हो जाएगा पाई बाय 6, ठीक है, तो ये तो आई होप सबको पता होगा, अब मैं इधर कौन से लिखवा रहा हूं जो नहीं पता है और अब हमारे फ्रीक्वेंटली यूज होंगे, 9/10 तक नहीं होते 15 डिग्री, क्योंकि अभी हम आगे चल के साइन 15/10/15 वगैरह इन सब की वैल्यू भी ड्राइव करेंगे, जो हमारे 9/10 तक की बुक्स में होता है उसमें यही स्टैंडर्ड एंगल्स बोलते हैं, 15 60 और एक बीच में 45 हो रह जाता है, तो लिख लो इधर 45 which is pi by 4, these are standard till our 9/10 standard, ठीक है ना, but अब हम JEE की तैयारी कर रहे हैं तो अब हमारे लिए ये भी standard माना जाएगा, कैसे करेंगे इसकी values वगैरह, भले ही तुमने physics से पढ़ ली होगी but हम इधर दोबारा पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, चलो तो 15 degree को हम एक तो मैंने बोला कि ऐसे convert करेंगे या फिर हम help ले लेंगे 30 degree से, कि 15 degree क्या है, 30 का आधा है ना, तो pi by 6 का आधा क्या होगा, pi by 12, तो directly pi by 12 लिख लेंगे, समझ में आ रहा है, या फिर हम 60 डिग्री की हेल्प ले सकते हैं, 60 डिग्री और 15 डिग्री में क्या रिलेशन है, ये 15 डिग्री क्या है, 60 डिग्री का 1/4 है ना, तो 1/4 ऑफ पाई बाय 3 इज नथिंग बट पाई बाय 12, तो ऐसे भी याद रख सकते हैं, समझ में आया, बट ऐसे भी तुम्हें कैलकुलेट नहीं करना है, तुम्हें याद ही होना चाहिए, जैसे ये तुम्हें याद है ना, तुम क्या अभी क्या कर रहे हैं, हम इसको निकालने के लिए इसका रेफरेंस ले रहे हैं, ये खुद अपने आप में रेफरेंस बनाना है तुम्हें, 15 डिग्री मतलब पाई बाय 12, हमें ये नहीं बोलना पाई बाय 3 पाई 60 30 डिग्री का हाफ है, 30 डिग्री होता है पाई बाय 6 उसका हाफ इज पाई बाय 12, इतना लंबा नहीं सोचना है, ठीक है ना, चलो अब आते हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंगल, दैट इज 30 हो जाएगा, एक आता है 18 डिग्री, बहुत फ्रीक्वेंटली यूज होता है साइन 18 वगैरह निकालने के लिए, ठीक है,
sin 18 is, this is again a standard angle. तो इसके corresponding कितना हो जाएगा ये? तो देखो, एक तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूं, या तो ये फॉर्मूला लगा लो, या फिर डायरेक्टली बोल सकता हूं 180 डिग्री क्या होता है, पाई, तो 18 क्या होगा, 1/10 है ना, तो पाई बाय 10, पाई बाय 10 रेडियन. तो मैं इसलिए लिखवा रहा हूं ये, अगेन अगेन आई एम रिपीटिंग द सेम वर्ड्स, बिकॉज दीज आर स्टैंडर्ड एंगल्स, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड. उधर हमें कैलकुलेट नहीं करना है, 118 डिग्री इज 1/10 ऑफ 180 डिग्री, और 180 डिग्री पाई होता है, तो पाई का 1/10 मतलब पाई बाय 10, इतना कैलकुलेशन नहीं करना है, अभी कर रहे हैं हम, बट वैसे हमें याद रखना है, ठीक है ना, पाई बाय 18. बाकी इस फॉर्मुले में भी रख सकते हो, क्या रखोगे इस फॉर्मुले के हिसाब से, इधर 18 लिखोगे तो 18 और ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, तो पाई बाय 10 आ जाएगा, क्लियर है. थर्ड आते हैं, इसका डबल, दैट इज 36 डिग्री, दिस ऑल्सो वी विल कीप इन माइंड, और ये तो डायरेक्टली हो जाएगा इसका ट्वाइस, बाकी हम इससे भी निकाल सकते हैं, तो ये हो जाएगा पाई बाय 5, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड, 36. उसके बाद आता है 54, फोर्थ स्टैंडर्ड एंगल इज 54. ये सब तुम्हारे लिए अभी नए हैं, एक्चुअली ये हमारा जब हम काफी ट्रिग्नोमेट्री कर लेंगे ना, तो तुम्हें बिल्कुल ईजी जाएगा ये, ठीक है ना. और इन सभी की वैल्यूज हम निकालेंगे, मतलब साइन ऑफ दिस एंगल, साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ दिस, साइन ऑफ दिस, और बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है ना, साइन टेन कॉट वगैरह, वो सब निकालेंगे हम. चलो, 54 क्या है, 18 का 3 टाइम्स है ना, सो डायरेक्टली मैं इसको लिख सकता हूं 3 पाई बाय 10, अदरवाइज यू कैन पुट इट हियर, ठीक है ना, डिग्री की जगह 54 रखो तो तुम्हारा 3 पाई बाय 10 आ जाएगा, ठीक है यहां तक. चलो मैं इसको और रब कर देता हूं, 18 के करस्पॉन्डिंग 3 हो गए, और एक और लिख लो 72, फिफ्थ वन 72 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 18 का 4 टाइम्स, तो या फिर 36 का ट्वाइस बोल दो, या फिर 18 का 4 टाइम्स बोल दो, तो इसका ट्वाइस करेंगे तो क्या आएगा 2 पाई बाय 5, ठीक है, यहां तक क्लियर है. अच्छा, ये तो हो गया हमारे 0 से 90 डिग्री के एंगल्स जो तुम्हारे यूज होंगे, क्या बोलता है, फ्रीक्वेंटली. तो मैंने क्या बोला, इनको तुम्हें एकदम टेस्ट पे रखना, 18 डिग्री मतलब पाई बाय 10 तुरंत होना चाहिए, फिर हम कैलकुलेट नहीं करेंगे जैसा कि मैंने बोला. अब आते हैं कुछ एंगल्स जो हमें 90 डिग्री के बाद के हैं और जो हमारे फ्रीक्वेंटली आएंगे. उसमें सबसे पहला एंगल है हमारा जो आएगा सबसे स्टैंडर्ड, दैट इज 120 डिग्री. तो इसको भी हम पाई के टर्म्स में याद रखेंगे, रेडियन के टर्म्स में, दैट इज एक्चुअली 2 पाई बाय 3. तो एक काम तो क्या कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं, इसमें डी की जगह 120 रख दो, तो 120 और ये 60 से ये 3 टाइम्स आएगा, ये 2 टाइम्स आएगा, तो 2 पाई बाय 3 आएगा. या फिर डायरेक्टली बोल दो 60 का ट्वाइस है, और 60 क्या होता है पाई बाय 3, उसका ट्वाइस क्या हुआ 2 पाई बाय 3, क्लियर है बच्चों. अच्छा, फिर हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड एंगल है 150 डिग्री. तो 150 डिग्री के लिए क्या करें, एक तरीका तो अगेन सेम यहां रख देते हैं, अदरवाइज हम क्या कर सकते हैं इसको. अब इसके सोचने के मल्टीपल तरीके, जैसे हमारे पास पाई भी एक रेफरेंस पॉइंट है, ये 180 डिग्री में से कितना कम है, 30 कम है ना, तो आई कैन से 180 डिग्री माइनस 30, और 180 डिग्री क्या होगा पाई, और 30 डिग्री कितना होगा पाई बाय 6, तो पाई माइनस पाई बाय 6, दैट इज 5 पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6. या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं 150 क्या है 5 टाइम्स 30 डिग्री, दिस इज 5 टाइम्स 30 डिग्री, और 30 डिग्री क्या होता है पाई बाय 6, तो 5 पाई बाय 6, लाइक दिस वे वी कैन से, क्लियर है बच्चों. तो इसके बाद 180 हो जाता है, उसके बाद आता है हमारा 210 डिग्री, दिस इज अगेन अ वेरी स्टैंडर्ड एंगल. तो इसको भी हम कैसे कैसे कर सकते हैं, पाई मतलब 180 प्लस 30 मतलब पाई प्लस पाई बाय 6 व्हिच इज 7 पाई बाय 6, ठीक है, या फिर बोल दो दिस इज 7 टाइम्स 30 डिग्री, 7 3 से 21 होता है ना, तो 7 टाइम्स 30 डिग्री मतलब 7 टाइम्स पाई बाय 6, क्लियर है. चलो, उसके बाद हमारा आता है 240 डिग्री, मतलब एक काम करो, अब तुम लोग करो, मैं लिखवा नहीं रहा हूं, तुम क्या करो इसमें 30 30 30 ऐड कर देना. देखो 15 और 18 के करस्पॉन्डिंग तो हम इतने काफी हैं, ठीक है ना, अगर बाकी के आए हायर एंगल्स के तो हमको अभी कन्वर्जन सीखेंगे, ठीक है ना, अभी हम कन्वर्जन सीखेंगे तब हम कर लेंगे, बट ये वाले जो एंगल्स है ना जो मैं अभी लिखवा रहा हूँ, दीज आर वेरी वेरी स्टैंडर्ड, ठीक है ना, तो हमें टिप्स पे होना चाहिए, हम उस टाइम कैलकुलेशन नहीं करेंगे, बार बार बोल रहा हूं मैं, ठीक है. तो मैं तुम लोग इधर लिखो, मैं इधर लिख रहा हूं डायरेक्टली 270 300 330 और लास्टली 360, दिस ऑल यू हैव टू राइट इन पाई रेडियन, क्लियर है बच्चों, ये तुम कन्वर्ट कर लेना, ठीक है. मैं लास्ट वाला लिख देता हूं 2 पाई, 360 मतलब 180 का ट्वाइस, दैट इज 2 पाई, आई होप क्लियर हो गया होगा. चलो, तो अब एक आध एग्जाम्पल और एक कर लेते हैं, वो मिनट्स वगैरह वाले का लेके एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम एंड अप करते हैं, ठीक है. तो इसको मैं रब कर रहा हूं, तुम तो इसको कंप्लीट कर लेना, ठीक है. ये मैं सोचना कि ऐसा क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन नहीं है, मैं अभी ये जो चीज बता रहा हूं ये तो मैं
याद रखना है, क्वेश्चन नहीं है अभी, क्वेश्चन तो अभी हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के बाद में। हाँ तो देखो अब मैंने एक क्वेश्चन लिख लेता हूं, मैं एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही ले लेते हैं। देखो मैंने लिखा एक्सप्रेस 45 डिग्री 20 मिनट्स 10 सेकेंड्स इन रेडियन। तो हमें रेडियन में कन्वर्ट करना है इसको। तो देखो अभी तो मेरा इधर क्या है, मिनट्स और सेकंड्स भी इन्वॉल्व है ना, लेकिन अभी जो हमने रेडियन से डिग्री वाला जो फॉर्मूला देखा था उसमें तो हम डिग्री में डालते हैं पूरा सब कुछ। तो फर्स्ट पहला टारगेट क्या होगा, हम इस पूरे को फर्स्ट कन्वर्ट इट इंटू डिग्री, मतलब केवल डिग्री आना चाहिए, मिनट्स और सेकंड नहीं आना चाहिए। तो हम कैसे लिखें इसको, क्या करें, देखो 45 डिग्री तो 45 डिग्री है, उसने कहा 45 डिग्री 20 सेकंड्स, तो एक मिनट के लिए इसको हटा रहा हूं। मैंने कहा 20 जो सेकंड्स हैं वो कितने डिग्री के बराबर होंगे, तो मेरे को पता है कि 1 सेकंड जो 60 सेकंड्स जो होते हैं वो 1 डिग्री होता है, तो 1 सेकंड कितना हुआ 1/60 डिग्री, तो 20 सेकंड्स कितना हुआ 20 by 60 डिग्री, दैट इज 1/3 डिग्री। तो 20 सेकंड से वैसे भी लिख सकते हैं 20 सेकंड इज 1/3 ऑफ 60, और 60 क्या होता है 1 डिग्री, तो 1/3 ऑफ 1 डिग्री इज 1/3 डिग्री, ऐसे बोल दो। तो डिपेंड करता है तुम कैसे कैलकुलेशन कर रहे हो, ये मैंने बहुत बेसिक से बता दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा 20 मिनट्स। अब हम क्या कैलकुलेट कर लेते हैं 10 सेकंड्स के करस्पॉन्डिंग डिग्री। तो देखो 1 सेकंड जो होता है, 1 सेकंड सॉरी ऐसे लिख लो 60 सेकंड्स इज इक्वल टू 1 मिनट, तो 1 सेकंड मेरा कितना आएगा, 1 सेकंड किसके बराबर आएगा 1/60 मिनट के बराबर। अब मुझे क्या चाहिए 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स इज नथिंग बट 10/60 सेकंड्स। अब मेरा ये सेकंड्स आ गया, तो ये दिस इज बेसिकली 1/6 सेकंड, बट मुझे तो अभी डिग्री में चाहिए ना। अब मैं ये वाला यूज कर रहा हूं अगेन, यही वाला पार्ट, मैंने 1 सेकंड इसके बराबर है, तो 1/6 सेकंड किसके बराबर होगा 1/6 इंटू 1/60 इतने डिग्री के बराबर, तो ये हो गया 1/360 डिग्री। क्लियर है बच्चों, समझ में आ रहा है ना। तो अब फाइनल में आंसर लिख रहा हूं, देखना फाइनली आंसर आई एम राइटिंग इट, फाइनल मतलब डिग्री लिख रहा है अभी हम, फाइनल से मेरा मतलब है डिग्री। पहले इसको डिग्री हो गया ये 45 डिग्री प्लस 1/3 प्लस 1/360, ये हमारा आया डिग्री, दिस मच डिग्री। लेट्स से मैं इसको अल्फा बोल रहा हूं, तुम लोग कैलकुलेट करना फाइनल, ठीक है क्या आ रहा है अल्फा। अब क्या करें, अब मैं वो वाला फॉर्मूला लगाऊंगा क्योंकि मुझे तो रेडियन में चाहिए ना, तो डिग्री अपॉन 180 इज इक्वल टू सी अपॉन पाई, तो मेरा डिग्री इधर रख दो तुम, तो ये अल्फा है, मैंने इसको अल्फा माना है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट, ठीक है ना, कैलकुलेशन कर लेना। तो अल्फा इंटू पाई बाई 180 इज नथिंग बट माई आंसर, दिस इज रेडियन, तो अल्फा निकाल लेना इधर रख देना, तो तुम्हारा रेडियन में आंसर आ जाएगा। तो मतलब ये इलस्ट्रेशन मैंने इसीलिए लिया जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट मिनट्स एंड सेकेंड्स इनटू डिग्री। तो हम डायरेक्टली इसको रेडियन में नहीं कन्वर्ट कर सकते, पहले हमें इसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो हमें वो वाला पता होना चाहिए कि एक डिग्री को हम 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट को एक मिनट बोलते हैं, फिर हर एक मिनट को 60 पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो हर एक पार्ट को सेकेंड बोलते हैं, ठीक है। चलो और एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम, ठीक है एक और क्वेश्चन आप उल्टा कर लेते हैं, रेडियन से वील मेजर डिग्री। तो सेकेंड क्वेश्चन लिख लो इधर, एक्सप्रेस 1.2 रेडियन इन डिग्री। अच्छा इसमें क्या लिखा है, डिग्री भी लिखना है, और यू हैव टू राइट इन टर्म्स ऑफ मिनट्स एंड सेकंड्स, डिग्री मिनट्स सेकंड्स तीनों चीज आना चाहिए, ठीक है। तो ये तुम लोग घर पे ट्राई कर लेना, अगर कोई डाउट आता है तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। क्या करोगे, पहले 1.2 रेडियन को कंप्लीटली डिग्री में डिवाइड करोगे, डिग्री में लिखोगे, फिर डिग्री के बाद तुम्हारा डेसिमल टाइप का कुछ आएगा, वो क्या हो जाएगा हमारा, उससे उसको हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा। चलो कर ही देते हैं, काम करते हैं, चलो मैं कर ही देता हूं। मैंने बोला एटलीस्ट स्लो बता देता हूं, मतलब 1.2 रेडियन है, तो मैं क्या करूं, इधर पहले 1.2 रेडियन इस वाले फॉर्मूले में रख देता हूं, इस वाले फॉर्मूले में, तो क्या आ जाएगा मेरा, डिग्री इज इक्वल टू 180 अपॉन सॉरी 180 इंटू सी दैट इज 1.2
अपॉन पाई, ठीक है, ये तुम कैलकुलेट कर लेना, दैट इज योर टास्क। ये तो मेरा डिग्री में आ गया, बट मुझे डिग्री में अकेला नहीं चाहिए। अब देखो मैं बता रहा हूं, जैसे मान लो ये कैलकुलेशन तुम्हारा, लेट से एक मिनट के लिए हमारा 61.38 कुछ तो आया, एक मिनट के लिए मैंने मान लिया, आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा आएगा, वो तुम्हें निकालना है, ठीक है ना। मैंने बोला एक मिनट के लिए ऐसा कुछ आ गया ये डिग्री, तो ये करेक्ट है डिग्री मेजर, बट उसने बोला डिग्री मिनट सेकेंड सब कुछ लिखना है। इसका मतलब क्या हुआ गया, आप देखो दिस इज इक्वल टू 61 प्लस, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, हाँ देखो 61 तो 61 डिग्री, अब मैं कैसे लिख रहा हूं देखो 0.38 इंटू 60 सेकेंड्स, सॉरी मिनट्स, दिस इज करेक्ट वे, दिस इज करेक्ट वे। अब फर्दर मैं इसको मोल्ड करते हैं कैसे, देखना अगर मान लो इसका आंसर मेरा, लेट्स से मैंने लिखा ये 61 डिग्री आया, और इसके अंदर कैलकुलेट करने पे लेट्स से मेरा 21.25 आ गया, मान लिया एक मिनट के, आई एम अज्यूमिंग दिस फिगर दैट यू हैव टू कैलकुलेट एक्चुअली, मान लो ऐसा आ गया, तो मैं फर्दर कैसे लिखूंगा इसको, देखना ध्यान से सुनना, 61 डिग्री फिर 21 मिनट्स फिर मेरा आ जाएगा 0.25 इंटू 60 सेकेंड्स, तो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज द थर्ड वे वी कैन राइट दैट आंसर। या मुझे कंप्लीटली आंसर का डिग्री में बोलना है तो ये बोलूंगा, डिग्री और मिनट्स में बोलना है तो ये बोलूंगा, डिग्री मिनट सेकंड तीनों में बोलना है तो ये बोलूंगा, क्लियर है। तो बस फिर हम एंड अप करते हैं आज का लेक्चर यहां, और कल फिर हम ट्रिग्नोमेट्री कंटिन्यू करेंगे, और अगर कोई भी डाउट होता है आज के वैसे ट्रिग्नोमेट्री में तो आई होप डाउट नहीं होगा, बिकॉज बहुत ही बेसिक पढ़ा है हमने, हाँ जो भी क्वेश्चंस मैंने क्वाड्रेटिक लिए थे अगर उसमें कहीं भी कोई डाउट आता है तो आज की आज क्लियर करना, ठीक है बच्चों। चलो फिर दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।